दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी रसोई। दोस्तों, आज हम कुकिंग के कुछ टिप्स बताने वाले हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर आगे शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। पहला टिप्स मेरा है दोस्तों, मक्के की कोई भी अगर हम डिश बनाते हैं तो उसको ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें 2 चम्मच अगर दही मिला देते हैं तो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देखिए, थेपला हो, कुछ भी हो, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। दूसरी टिप्स है दोस्तों, अगर हम सब्जी बनाते हैं तो प्याज को जल्दी भूनने के लिए जैसे ही प्याज डालते हैं उसके साथ ही उसमें हम 1/2 चम्मच अगर नमक डाल देते हैं तो प्याज हमारी जल्दी से भून जाती है और हमारी समय और गैस की भी बचत होती है। दोस्तों, तीसरी टिप्स है हमारी, गाजर को हम जब भी किसी रेसिपी में यूज करते हैं तो उसको अच्छे से छीलने के लिए हम चाकू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, गाजर जब भी आप छीलें तो आप बाहर का हिस्सा आप चाकू से अच्छी तरह से छीलें ताकि उसकी मिट्टी और डस्ट अच्छे से निकल जाए, और दूसरा हिस्सा आप छीलने की हेल्प से छीलें क्योंकि उसमें अंदर काफ़ी डस्ट होती है, वो छीलने की हेल्प से अच्छे से निकल जाती है। और पीछे का पार्ट आप कट करके निकाल दें क्योंकि हमारी कोई भी रेसिपी होती है उसको खराब कर देती है। तो सभी गाजर हमारी छिलके तैयार हैं, आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। चौथी टिप्स है दोस्तों, अगर हम मूंगफली के दाने ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हल्की गैस पर पैन में इसको गरम करें और 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको भून लें और डिब्बे में भरकर इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली टिप्स है हमारी, जब भी हम मावे से खोया बनाते हैं तो मेरा ये मानना है और मैंने देखा भी है कि जब भी आप खोया बनाएं तो गैस का फ्लेम आप फुल रखें, और इस तरह से अगर आप खोया बनाएंगे तो आपका खोया एकदम वाइट कलर का बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो अगली टिप्स है दोस्तों कि जब हम चिड़वा खा के बोर हो जाते हैं, बच्चे बड़े घर में किसी को चिड़वा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो चिड़वा की इस तरह भिगोकर आलू मिक्स करके आप टिक्की बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, मेहमान के आने पर बना सकते हैं, या जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों, अगली टिप्स के लिए चलते हैं। अगर आप पूड़ी खाने के शौकीन हैं और करारी पूड़ी खाने के शौकीन हैं तो दोस्तों, जब भी आप पूड़ी बनाएं, पूड़ी बनाने के 15-20 मिनट तक उसको खुला छोड़ दें या फिर आप फ्रिज में रख दें तो इससे पूड़ी बहुत ही करारी और टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, इस टिप्स को ज़रूर एक बार यूज करके देखें, आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा कि कितना टेस्ट आता है पूड़ियों में। तो दोस्तों, करारी पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हैं। पूड़ी चाहे कोई भी हो, बथुआ की हो, पालक की हो या सादा पूड़ी हो, तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। तो दोस्तों, अगली टिप्स है हमारी कि जब भी हम बेसन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, खासकर कढ़ी के लिए जब बेसन बनाते हैं तो बेसन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेंटना चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में अगर आप उसको बराबर फेंटेंगे तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये टिप्स हमारी ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखना। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स है हमारी, तो दोस्तों अगली टिप्स है हमारी शिमला मिर्ची की। शिमला मिर्ची खाने का जब भी हमारा मन नहीं करता है या बच्चों का मन नहीं है, बच्चे खाने में नखरे करते हैं, तो इस तरह से आप शिमला मिर्ची को रिंग सर्किल में काट कर उसमें पोटैटो का मसाला भर दें और इस तरह से पैन में उसको सेक कर लंच में या डिनर में या किसी के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद आती है। और देखिए, हमारे रिंग सर्किल बनके तैयार हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगली टिप्स है दोस्तों कि जब हमारे दाल चावल बच जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, तो नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह मिक्सी में पीस कर उनके अप्पे बना सकते हैं, उसमें जो भी आप वेजिटेबल्स खाते हो उसको डाल लें। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगली टिप्स है हमारी, जब भी हम झटपट कोई भी पराठा या कोई भी कुलचा बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में उसको इस तरह से सेकते हैं तो किनारियों को दबाते हुए ज़रूर सेकें, इससे अच्छी तरह सिकता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
तो दोस्तों अगली टिप्स है हमारी फ्रूट की। जब भी हमारे बच्चे फ्रूट खाने में नखरे करते हैं, हमारा खुद का भी मन नहीं होता है, तो इस तरह से आप फ्रूट कट करके प्लेट में सजाकर और ऊपर से उसमें ये मीठी वाली रेड कलर की मैंने चेरी डाली है, ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है, और इस तरह से प्लेट देखकर बच्चे ज़रूर खाने का मन करेंगे और आपका भी मन हो जाएगा। कोई भी इसमें आप मसाला डाल सकते हैं, तो टिप अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों जब हमें जल्दी होती है और झटपट से कोई सब्जी बनानी होती है, तो इस तरह से आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची हल्का सा भाप में इसको उबाल लें। इसकी ग्रेवी आप कई सब्जियों में यूज कर सकते हैं और पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। और दोस्तों ऊपर से सब्जी में थोड़ी सी आप कसूरी मेथी अगर डाल देते हैं तो सब्जी के स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों अगली टिप्स है हमारी, जब भी हमारा कचौड़ी, पूड़ी, पराठे खाने का मन नहीं है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। आपका लिट्टी खाने का मन होगा तो इस रेसिपी से आप आनंद ले सकते हैं। इसको जिस तरह हम आलू भर के पराठा बनाते हैं, उस तरह से आलू इसमें भरना है और ये अप्पम मेकर में बनानी है। बिना ऑयल के इसको आप सेक सकते हैं, ये पूरा लिट्टी का आनंद देती है। तो दोस्तों है ना कितनी अच्छी टिप्स, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।